मैंने पूछा व्हाट्स अप विद यूवी लतिका। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं स्वीरा। स्वीरी तुम मेरा कॉमन रूम में वेट करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओ कि तुमने आशी को क्या बोला है। मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है क्या बोला है मैंने? लतिका ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, बोलो, स्पीक अप। यूवी बात बहुत सिंपल है, तुम मुझे सेट के साथ हेल्प करो वरना मैं आशी को सब कुछ बता दूंगी। चॉइस इज योर्स। हाय यूवी, मेरा नाम कोको है। हाउ डू यू डू? थैंक्स अ लॉट यूवी। वैसे मैं ये सिली सॉफ्ट टॉय गर्ली टाइप नहीं हूँ, पर कोको इज टू। अब मैं जेलस हो रहा हूँ। व्हाई? क्योंकि तुम कोको को हग कर रही हो, किस कर रही हो, एंड आई विश आई वाज कोको। यूवी तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कोको से 1000 times क्लोजर हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। एंड कोको, तुम हमेशा हमेशा आशी का ध्यान रखोगे। मैं कभी भी अपनी आशी को सैड नहीं देखना चाहता। Get it, mister? Good. Anyways, party की preparation कैसे चल रही है? Good. Actually, शायद good. मुझे कुछ पता नहीं. Party की preparations मामा और वो परी कर रही हैं. And you trust them? Look, मैं organizing type नहीं हूँ. And उन्हें इन चीजों में मजा आता है. Like waiter कौन से color के socks पहनेगा, etc. etc. Yuck. आशी. I love the way you are. Actually, एक चीज है जो मैं पार्टी में चाहती हूँ। Whatever you want, ma'am. मैं चाहती हूँ पार्टी में रीमिक्स प्ले करे। Done. In fact, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सॉन्ग लिखूँ। Yeah, perfect. That's what I'll do. Really? आशी, तुम्हें कोको जैसे टेडी बेयर्स कोई भी दे सकता है। लेकिन एक स्पेशल सॉन्ग तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही लग सकता हूँ। यूवी दैट्स अ रियली कूल आइडिया। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं आशी, वो मुझे सडनली याद आया कि मुझे डैड को एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है। फुटबॉल मैच के बारे में, राइट? तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। यू आर अ ट्रू रॉकस्टार बेब्स। एनीवे मैं एक सेकंड आया, राइट? ओके, बाय बाय।
नॉट टू वरी कोको, मैं यूवी पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ, वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। लातिका, एक मिनट। कहो यूवी। तुम मुझे हॉन्ट कर रही हो, जस्ट स्टॉप इट, ऑलराइट? हॉन्ट कर रही हूँ, बट यूवी, इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है, एंड इट्स क्वाइट सिंपल, सिर्फ एक मिनट। फाइन, मैं तुम्हें सिड के साथ पेयर करूंगा, लेकिन तुम मेरा पीछा करना बंद करो, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना, कोई लड़का मुझे हाय और बाय करता है, कॉफी के लिए पूछता है, और मैं पागल जैसे उसके साथ प्यार के सपने देखने लगती हूँ। सारा प्रॉब्लम मुझ में ही है। फ्री, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तो ये सारे लड़के जो कभी नहीं सुधरने वाले। अच्छा, तुम्हारा और नकुल का क्या हुआ? फ्री प्लीज, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम, प्लीज। हाय। तुमने अमन को देखा? नहीं। वृंदा, तुम हमेशा अमन अमन क्यों करती रहती हो? तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। महर, इससे जरा ध्यान से बात करना, क्योंकि ये जाके लतिका को बता देगी और वो गॉसिप कॉल में लिख देगी। सो बी केयरफुल, राइट वृंदा? फ्री, डोंट वरी वृंदा, फ्री की बातों का बुरा मत मानना, वो बस लव से कहता, दैट्स इट, ओके? बात कुछ और है मेहर, मैंने टिया से भी बात की, बट वी डोंट नो व्हाट टू डू। एनीवेज, मुझे अमन से काम है, मैं चलती हूँ। मेहर, मैं ये कप ले जा सकता हूँ? तुम्हें जो करना है करो। मैनेजर है? हाँ, क्यों? हमें यहाँ फाइट करना है। अरे, खुद की साइज देखिए, यहाँ सब तेरे से 3 साइज बड़े हैं। हमें फिर भी यहाँ फाइट करनी है। ठीक है, लेकिन याद रख, अगर तेरे कोई पुर्जे टूट गए ना, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, किसके साथ फाइट करनी है बोल। हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो हमें पाशा से फाइट करनी है। पाशा? अरे यार, यहां सभी पाशा हैं, किसकी बात कर रहे हो तुम? उन्हें कोबरा भी कहते हैं। कोबरा के साथ उनसे फाइट हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम खुद ही उसके बेटे से बात कर लो, तुम्हारे पीछे खड़ा है। तुम्हें कोबरा से क्या काम है? ए फ्लंकी, यहां क्या कर रहे हो? अगर हम आपसे यही पूछे तो? ओ शराब, अब आगे जाओ, ये बच्चों की जगह नहीं है। हम तो बड़ों के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, तो बना आप जहां हम वहां। इसका मतलब तुम यहाँ रहना चाहते हो, मुझे चैलेंज करना चाहते हो? एक मिनट, ये बच्चा तुम्हें ऐसे ही चैलेंज नहीं कर सकता, पहले इसे क्वालिफाई करना होगा। मतलब फ्लंकी को लड़ना पड़ेगा? किस? वेदी, ओ वेदी,
अरे तेरे लिए शिकार आया है। देखा, I was right, तुम बच्चे हो और अपने आप को राजपूत कहते हो। अर्जुन, हम लड़ेंगे। सिड माय मैन, क्या हुआ? तुम इतने डाउन क्यों? नथिंग, मैं ठीक हूँ। सिड, तुम्हारा ये सुपरमैन वाला एक्ट ना मुझे नहीं इंप्रेस करने वाला। तुम डाउन इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी सीरीज हार चुके हो, पर रिमेंबर वो सीरीज मैंने जीती। यही प्रॉब्लम है ना? इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। क्या तुम मुझे सीरीज रिटर्न कर रहे हो? नॉट अ चांस इन हेल डूड। मैं जीता हुआ स्टफ रिटर्न नहीं करता, पर हाँ तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। चैलेंज क्या? शूट। हो तो तुम यहाँ हो, कहाँ थे? सब वो वॉक पे गए थे। एनीथिंग रॉन्ग सर? तुम्हारे गार्डियन का फोन आया था मेरे पास, एक कार बाहर वेट कर रही है तुम्हारे लिए। पूछना मत क्यों, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। और हाँ, अपने बैग के साथ, एंड प्लीज टेक योर लैपटॉप फॉर श्योर। पर सर, मुझे जाना कहाँ है? वो कार तुम्हें ले जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हारे गार्डियन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब जरा जल्दी करो, चलो। मेरी लाइफ कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? दिस इज नॉट फेयर। प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट लीव। तरुण, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। Go away, just go away. मुझे जाने के लिए कह रही हो? सोनिया आंटी, अच्छा आप आ गए आंटी। आपने देखा पापा को क्या हो गया? वो लॉयर, वो टैगी लॉयर ने पापा को टोटली ब्लाइंड कर दिया है। टिया, मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आंटी, टिया न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती, नहीं चाहती है ये वीजा फॉर्म। नो, आई डोंट वांट टू गो। टिया, टिया तुम 18 की होने वाली हो, थोड़ी मैच्योर हो जाओ, ओके? और ये फॉर्म मैं लेकर जाती हूँ, कल रिटर्न करूंगी। So dude, तुम कह रहे हो अगर मैं लतिका को डेट पे ले जा सका, then you'll give all my series back to me? Bingo brother, right on. But लतिका क्यों? Dude, क्योंकि ये एक चैलेंज है और कोई भी चैलेंज इजी नहीं होता। लतिका को कोई भी नहीं डेट करना चाहता, सब उसे हेट करते, इसलिए तुम्हें उसे लाइक करना पड़ेगा ब्रदर। एंड बाय द वे, अन्वेषा भी इतनी इजी नहीं थी ब्रदर। आई गेट इट, इजी नहीं, बट टिया भी तो। डूड, फोकस। टिया के लिए अर्जुन है, तुम्हारे लिए लतिका जामवाल, एंड दैट माई ब्रदर इज फाइनल। Forget it, Sid. ये बेट तुम्हारे बस की बात नहीं है।
इट्स नॉट फॉर यू डूड। हे सिड, तुम्हारी फेवरेट सीडी, आई लव दिस ट्रैक, आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार, इन द एंड इट डजंट इवन मैटर, आई ट्राइड सो हार्ड। स्टॉप 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 स्टॉप, आई एग्री, मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। एनीवे मेरे पास कुछ बचा नहीं है टू लूज मैन। सिड माय मैन, ये हुई ना बात, बहुत एडमायर करती है। तुम कभी हार नहीं मानती और इसलिए टिया तुम्हें लाइक करती। जब आदित्य ने उसे अपनी फोटो एल्बम दिखाई तो उसमें सिर्फ आशी की स्नैप्स थी। प्री कुन सी इट। ये तुम क्या कह रही हो मैं? टिया ने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी फोटोग्राफर का इतना बैड टेस्ट नहीं देखा। फोकस टिया, फोकस। प्रॉब्लम फोटोग्राफर नहीं, अपनी प्री है। माय पुअर एंजल, अब तक तो उसने आदित्य के साथ कितनी सारी ड्रीम्स भी देख ली होंगी। और हाँ, आज मैंने सलून में वॉमिट करते हुए देखा था। ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है टिया। टिया जानती है प्री जो कर रही है ना, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। मेहर, प्री की साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक नहीं है। अब टिया को ही अपनी एंजल के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्या? तुमने तो मुझे हरा ही दिया। पहली बार हरा हूं, अच्छा लगा। आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? ये सब तो चलते रहता है। एक बात कहूं, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हूं। तुम उस लड़के से नफरत करते हो ना? आपको कैसे मालूम? जब तुम लड़ रहे थे, तुमसे बार बार देख रहे थे, तुम्हारी आंखों ने मैंने सब कुछ पढ़ लिया। ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें उस लड़के के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। कौन सी बात, हमें जल्दी बताइए। फ्लंकी, hey,
आज मुझे तुमसे हाथ मिलाना ही पड़ेगा, but only for a fight. याद रखना।